वीडियो आया है, वायरल हुआ है, आज पूरा देश भी शर्मसार हुआ है। जिस तरीके की घटना है, किसी भी व्यक्ति को एकदम हिला देने वाला, झंझोड़ देने वाला। मैंने आज डीजीपी को भी बुलाया था, पूरी बात को संज्ञान में लिया और मैंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके उन सारे आरोपी जिन्होंने इस तरह का दुष्कर्म किया है उनको गिरफ्तार करें। मैंने निर्देश दिया है डीजीपी को कि पुलिस डिपार्टमेंट से भी उन अधिकारियों को भी नोटिस जारी करें, पूछे अगर दोषी है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। जो वीडियो आया है, वायरल हुआ है, आज पूरा देश भी शर्मसार हुआ है और इसको लेकर कई लोगों ने बहुत सारा क्रोध, नाराजगी, गुस्सा। मैं समझती हूँ कि जो जिस तरीके की घटना है, किसी भी व्यक्ति को एकदम हिला देने वाला, झंझोड़ देने वाला, जो कि आप समझते हैं कि मैं मणिपुर की एज ए गवर्नर होने के नाते आज मेरे प्रदेश में इस तरह की घटना होना, ये मेरे मणिपुर प्रदेशवासियों के लिए भी एक बहुत बड़ा मतलब ऐसी घटना, उनको भी बहुत दुख हुआ होगा। कोई भी हो, किसी भी तरह की हमारी जो बहनें हैं और इस तरह से जिन व्यक्तियों ने किया है, ये बहुत ही हैवानियत कहना चाहिए। और ऐसे लोगों के ऊपर तो जितनी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उनको देना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है, मैंने आज डीजीपी को भी बुलाया था, पूरी बात को संज्ञान में लिया और मैंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके उन सारे आरोपी जिन्होंने इस तरह का दुष्कर्म किया है उनको गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और जिस थाने में 4 मई की जब ये घटना हुई थी और 18 को जब रिपोर्ट हुई थी, तो अभी तक पुलिस के द्वारा क्यों नहीं उसकी जांच करके और वैसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और ये बहुत ही दुखद है और मैंने निर्देश दिया है डीजीपी को कि पुलिस डिपार्टमेंट से भी उन अधिकारियों को भी नोटिस जारी करें, पूछे अगर दोषी है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, ताकि ऐसी कार्रवाई भी करें कड़ी से कड़ी, ताकि दूसरे लोगों को भविष्य में इस तरह का मतलब दुस्साहस ना हो। पूरे देश के लिए भी एक मैसेज हो कि ऐसे व्यक्ति जो इस तरह की मतलब एक घृणित और हैवी मतलब एक जो जिसको क्या बोलते हैं कि जिनकी शर्म लज्जा मतलब कहना चाहिए कि एक अमानवीयता की हद हो गई, जिसको जितनी निंदा करना चाहिए वो भी कम है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो और इस प्रदेश के लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे शर्मनाक घटना के बाद कम से कम जो आज प्रदर्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है, हिंसक गतिविधि, उनको समाप्त करना चाहिए। और एक मंच पर दोनों सब लोग बैठकर और जो भी उनकी मांग है, डिमांड है, ये उसका समाधान बैठ के ही सुलझाया जा सकता है। हिंसा से किसी का भी समाधान नहीं हो सकता है, किसी का भी लाभ नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं चाहूँगी कि ऐसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई होनी चाहिए सख्त। एक स्टेट में 3 महीने से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं, 3 महीने से अस्थिरता है, क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार के रूप में कुछ कमी रह गई है, कुछ और करना चाहिए था जो नहीं हो पाया? देखिए, जहाँ तक है केंद्र के जो हैं, सरकार इस पे पूरा ध्यान दे रही है। 60,000 BSF, असम राइफल, CRP, आपका रेपिड एक्स फोर्स और तमाम पुलिस, तमाम मिला के आज 50-60,000 की संख्या में है लोगों की सुरक्षा कर रही हैं। और इसीलिए बहुत लोगों की, पता नहीं अगर ये फोर्स नहीं रहती, मैं तमाम फोर्स के जवानों को मैं बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ उन सारे अधिकारियों को कि आज मणिपुर की जो जनता की सुरक्षा और रक्षा करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है।
और मुझे विश्वास है कि लोगों से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि हिंसा छोड़े, विरोध छोड़े और एक प्लेटफार्म में आकर चर्चा करें और फिर से हमारा मणिपुर जो पहले जैसा था, एक भाईचारा सद्भावना के साथ लोग रहते थे, वैसे ही मिलकर और फिर से एक नई शुरुआत करें और इस मणिपुर को फिर से एक नई विकास की दिशा में हम आगे बढ़ाएं। यही मैं मणिपुर की प्रदेश की जनता से कहना चाहती हूँ।